नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के सदर अस्पताल में गुरुवार की देर शाम लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए और सदर अस्पताल के मुख्य गेट के ठीक सामने टायर जला करके आगजनी कर लिए। दरअसल आपको हम बता दें, सिवान शहर के निराला नगर के रहने वाले गोलू कुमार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और यह घटना गोरियाकोटी थाना इलाके के अपराध मोड़ के पास हुई थी, जब गोलू फ्यूजन माइक्रोटेक फाइनेंस कंपनी के लिए पैसा कलेक्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। आपको एक बार फिर से बता दें कि फ्यूजन माइक्रोटेक फाइनेंस कंपनी के कर्मी थे गोलू कुमार, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और परिजनों का सीधे तौर पर SDPO पर नाराज़गी थी, जिसको लेकर के सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर उन्होंने शव को रख करके और बड़े अधिकारियों की मांग करने लगे। नगर थानाध्यक्ष सुदर्शन राम भी पहुंचे हुए थे और मुफस्सिल के इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित भी पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी तरीके से परिजन समझने के लिए तैयार नहीं थे। उनका गुस्सा साफ तौर पे SDPO फिरोज आलम पर था। उनका कहना था कि SDPO फिरोज आलम आए हुए थे कुछ व्यक्ति से सदर अस्पताल में, हाथ मिलाएं और उसके बाद हंसते हुए यहां से चले गए। तो इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी परिजनों में, जिसको लेकर के बड़े अधिकारियों की आने की मांग थी। और इस मांग के बाद सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार पहुँचे बहुत देर के बाद और किसी तरीके से जो मृतक के जो परिजन थे उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया और उसके बाद फिर मामला शांत हुआ। हालांकि पुलिस को बहुत मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। भाजपा नेता धनंजय सिंह भी पहुंचे हुए थे, सिवान के कई समाज से जुड़े लोग भी वहां पे पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी की बातों को जो परिजन थे मृतक गोलू के, वो नहीं सुनने के लिए तैयार थे। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि बड़े अधिकारी आए और आश्वासन दें, उसके बाद यहाँ से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा जाएगा। तो एक बार फिर से बता दें कि जिस फ्यूजन माइक्रोटेक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे गोलू, उन लोगों के पास परिजन फ़ोन करते थे तो स्विच ऑफ बता रहा था। कंपनी के किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर वालों से संपर्क नहीं किया गया, ना ही उनके परिजनों से किसी तरह की जानकारी ली गई। सभी का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। ये कहना था गोलू के जो आक्रोशित परिजन थे उनका साफ तौर पर कि जब हत्या हो गई उसके बाद एक बार भी फ्यूजन माइक्रोटेक फाइनेंस कंपनी जो महाराजगंज की है, उन लोगों के द्वारा एक बार भी नहीं पूछा गया या फिर सदर अस्पताल के पास भी वो लोग नहीं पहुंचे हैं, ये क्या कारण है। और उसके बाद से परिजनों का यह भी कहना था कि जब बॉडी यहाँ पे आई उसके बाद से यहाँ से गोलू के मोबाइल से पॉकेट से मोबाइल भी गायब हो गया और भी कुछ चीज़ें थी जो गायब हो गया, जिसको लेकर के परिजन काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सुदर्शन रामनगर इंस्पेक्टर समझा भी रहे हैं लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः SDO को आना पड़ा और लोगों को जब समझाएं SDO सुनील कुमार, उन्होंने कहा कि 24 घंटे तक के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं। उसके बाद से जो आक्रोशित परिजन थे वो जाम को हटाए और तब जा कर के परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सवाल यह है कि दिन प्रतिदिन हत्याओं का दौर सिवान में शुरू हो चुका है, आखिर प्रशासन क्यों नहीं रोकने में उसे सफल हो पा रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर के जो सिवान ज़िले के ग्रामीण हैं या फिर व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, वो अब दहशत के साय में जीने को विवश है। उनका कहना है कि कभी भी किसी को बदमाश शिकार बना सकते हैं, किसी की हत्या हो सकती है और इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग आक्रोशित थे। तो आइए सीधे ले चलते हैं, सुनते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना था। ITN लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। ये SDPO साहब यहाँ आए और श्रीनिवास जी कौन है ये तो हमको पता भी नहीं है। श्रीनिवास जी से लेकर के बात किए और वह हंसते हुए निकल गए। बताइए किसी का मौत हुआ है, SDPO साहब हंसेंगे कि कम से कम सहानुभूति करना चाहिए, बात करना चाहिए, गार्जियन को संतावना देना चाहिए कि बाबू अब इसके फेरा में लगे, हम अधिकारी हैं, आपका हम काम करेंगे। इससे हम लोग को भी संतावना मिलती, हम लोग भी अपने काम में लग जाते। किसी से बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं की, लग गया सिर्फ
बड़े अफसर को चले गए, कुछ गाइडलाइन बताते हैं ये ऐसे करेंगे, किस थाना में जाइए, क्या चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एसपी साहब आए, कोई भी बड़ा अधिकारी आए तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। हम लोग से मिले, हम लोग को संतावना दे और आए के कार्रवाई के लिए पूरा संतावना दे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से हटने का काम करेंगे। आप थे उस समय जब एसडीपीओ साहब आए हुए थे? हाँ, हम लोग थे। क्या देखे आप? जैसे वही आए और श्रीनिवास जी से बात करके पीछे निकल गए, कुछ बात ही नहीं किए। चलो आ गया, बोलो जी, बताइए। वो आए, घर का कौन है, किसी से कुछ बात ही नहीं किए, किससे बात की और निकल गए, क्या पता। कुछ पूछे भी नहीं कि कैसे, कुछ नहीं पूछे, कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पूछे। वो और हंसते हुए, वो हंसते हुए निकल गए। सबसे बड़ा दुख इस बात का है, बताइए अब आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ क्या है, तू क्या अपन पर्चे दो, अब आप लोग क्या चाहते हैं? अरे चाहते हैं कि एसपी साहब आए, हम लोग को संतावना दें, हम लोग को कुछ मदद करें, उसके बाद गाइडलाइन बताएंगे हम लोग क्या करना है, कैसे करना है, वो बताएंगे उसके हिसाब से। हम लोग उनके गाइडलाइन के अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे। कार्रवाई के लिए हम लोग विशेष मांग तो यही है, हम लोग विशेष मांग यही है कि वहाँ लड़का को तो जिला नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग को आश्वासन दे सकते हैं। उसकी माँ विधवा है, उनको भी आश्वासन दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। घर में कोई है नहीं, कुछ एक आदमी का गोली मार हत्या कर दी गई है, और इसकी जो हम लोग यहाँ पाए जम किए थे कानून ने बातचीत करके कॉल कर दिया। सर कुछ लोग गुस्से में थे कि क्या कुछ मामला था, तब एसडीपीओ उन लोग कुछ गुस्से में थे और उसको हम समझा दिया गया है, कोई भावना नहीं थी। जो उन लोग को शंका है ऐसा हमको जो लगता है वो ऐसा कुछ है। कुछ फुटेज आया है, कल का अपराधी पकड़े जाएंगे? हाँ, हम लोग फुटेज प्राप्त हो चुका है और हम लोग काम कर रहे हैं, तो कल तक में अपराधी पकड़ेंगे। काम चल रही है, रात में भी टीम निकली हुई है। ठीक है, थैंक यू सर।